बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सम नंबर 1, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों देखते जाते हैं हम एक एक पॉइंट। तो आप बोलोगे सर यहाँ पहले लिखा हुआ है, एग्जैक्ट वर्ड में पढूं तो ऐसा कुछ दिया हुआ है, यूजिंग द एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड आउट। एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यूज करके आप फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले आप जब भी ऐसे सम देखो बच्चों, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखो आप शांति से देखोगे, एक टर्म, दो और तीन ऐसे दिया हुआ है, एक दो तीन। तो आप बोलोगे सर यहां से शांति से देखोगे तो 3/5 और यहाँ पे भी 3/5 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, तो हम मैं लिखेंगे यहाँ पे भी 3/5, यहाँ पे भी 3/5, तो हम उसको अरेंज करते हैं। तो आप बोलोगे सर 2/3 × 3/5, ये प्लस को आखिर में डाल देते, यहाँ पे लिखेंगे 3/5 × 1/6 और यहाँ पे लिख देते 5/2। कौन सी प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो आप लिखोगे थ्री बाय फाइव कॉमन निकाल देते। तो आप बोलोगे सर ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुई। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, ए बी इंटू बी प्लस सी, तो ए इससे भी मल्टीप्लाई, ए इससे भी मल्टीप्लाई। सेम वे हम यहाँ करना शुरू करते हैं। अभी आगे चलते हैं बच्चों, तो ये और ये कॉमन निकाल देते हैं। तो आप बोलोगे सर ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ए यहाँ पे लिखा हुआ है बी प्लस सी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या होता है, तो देखो अभी मैं लिखता हूँ 3/5, यहाँ पे कॉमन निकाला, 3/5 कॉमन निकालते ही आप बोलोगे सर यहाँ बचेगा क्या, तो मैंने बोला यहाँ पे 2/3 और यहाँ माइनस का माइनस 1/6 और प्लस 5/2। तो आप बोलोगे सर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3/5 एज इट इज, यहाँ एलसीएम 6 का लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप बोलोगे सर 6 लोगे तो यहाँ पे 2 और ऊपर भी 2, तो -4 और यहाँ कितना होगा बच्चों, ये -1 ही रहेगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 6 है, प्लस 5/2। आप बोलोगे सर 3/5 यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 5/6 प्लस 5/2, यहाँ पे एक लिखना था बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये 5/5 कट हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा बच्चों 2। तो आप बोलोगे सर -1/2 प्लस 5/2, सॉल्व करोगे नीचे दो एलसीएम सेम ही है, 2 ही है हमारा न्यूमरेटर, डिनोमेटर जो है वो हमारा 2 ही है। तो आप बोलोगे सर -1 + 5 = 4/2, तो हो जाएगा हमारा 2। तो हमारा फाइनल आंसर ये प्रॉपर्टी के हिसाब से कितना आएगा बच्चों, 2। अभी बच्चों यहां पे देखते हैं दूसरा सम, तो यहां पे देखो ये दो टर्म है, ये दो टर्म है और ये दो टर्म है, तो यहां पे 2/5 है, यहां पे तो 2/5 नहीं है लेकिन यहां पे 2/5 है। तो आप बोलोगे सर क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से आप अरेंज करो, तो ये प्रॉपर्टी को मैं यहां ले रहा हूं, ये को यहां ले रहा हूं, मतलब नंबर को मैं थोड़ा इंटरचेंज कर रहा हूं, तो 2/5 × 3/7। आप बोलोगे सर ये बंच है उसको यहां लेके आओ, प्लस की साइन लिखो, तो यहां लिखेंगे 1/14 × 2/5 और आखिर में जो है बच्चों यहां 3 है और यहां 6 है, तो आप बोलोगे 3 × 2 = तो यहां पे लिख देंगे 1 × 1/2 × 2 = 4 लिख देंगे। बच्चों जैसे इतना खत्म होगा आप बोलोगे सर यहां तो समझ में आ गया, अभी आप बोलोगे सर ये बाय क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। अभी यहां से हम कॉमन निकालेंगे, 2/5 कॉमन निकाला बच्चों, तो ये हो -3/7 + 1/14 और -1/4। तभी आप बोलोगे सर इतना तो हमें समझ में आ गया, तो एलसीएम लेते ही आप बोलोगे सर यहाँ 2/5, यहाँ पे आप बोलोगे सर 14 एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो -6 और यहाँ +1। जैसे ये होगा आप बोलोगे सर आगे चलते हैं, ये होगा 2, ये 5, यहाँ पे जो हो जाएगा बच्चों ध्यान में रखना है -5 और 14 और -4। तो आप बोलोगे सर पहले तो ये पूरा क्लियर करना पड़ेगा, तो यहां से 7 हो जाएगा और यहां कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे कट हो जाएगा -1/7 - 1/4। आप बोलोगे सर 28 एलसीएम लेंगे, तो यहां से बच्चों आप क्या करोगे -4 - 7, तो कितना हो जाएगा बच्चों 11 माइनस, तो आप बोलोगे सर -11/28। तो बच्चों आपको ध्यान क्या रखना है ये में,
आपको वो ध्यान रखना है कि बेसिकली कि इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, पहले तो अरेंज कर दो उसको, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी यूज करो, उसके बाद आप बोलोगे सर कौन सी, तो आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करोगे। बच्चों आपको ध्यान वही रखना है कि बस ये प्रॉपर्टी को देखो कॉमन क्या निकल रहा है। तो बच्चों आप एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो कर सकते हो इसके बाद, तो ये होमवर्क में आप जरूर ट्राई करना एग्जाम्पल नंबर 5। अभी हम स्टार्ट करेंगे तीसरे सेशन में, मतलब लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन।